स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही मीठा भजन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। चैनल से जुड़े हुए हैं चंद्र जोशी जी, हमारे मित्र हैं और उन्होंने इसकी काफ़ी पहले डिमांड की थी, जिनका मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी नीचे आपको दिया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। उन्होंने कमेंट किया है और कई सारे वीडियो में इन्होंने कमेंट किया कि सर इस पर वीडियो बनाएं नोटेशन के साथ में, तो आज सोचा कि इनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। और कई सारे डिमांड आप लोग भेजते हैं, सभी को पूरा कर पाना इतनी जल्दी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सारी डिमांडें एक एक करके पूरी की जाए, क्योंकि मुझे अभी क्लासिकल के ऊपर भी काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर क्लासिकल पे भी आप रागों के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो मैं राग और आपकी जो फरमाइश है दोनों का थोड़ा सा तालमेल बना करके मैं एक एक करके आप लोगों तक सारी जानकारी पहुँचाता रहूँगा, आप लोग जुड़े रहें। तो चंद्र जोशी जी ने कहा था कि सर इस पर वीडियो बनाए, तो आज उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनकी फरमाइश को पूरा कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से स्वर इसमें प्रयोग होना है और कौन सी स्केल से आपको बता रहा हूँ। तो काली दो मेरा स्वर है, काली दो को काली एक में मैंने सेट किया हुआ है और बजाने का अंदाज मेरा काली एक से ही है। स्वर जो इसमें प्रयोग होंगे, देखिए, कोमल निषाद और कोमल गंधार, दो स्वर इसमें कोमल प्रयोग होंगे, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। इसके चलन की बात करें तो मंद्र सप्तक में पंचम तक इसका चलन है और मध्य सप्तक में कोमल निषाद तक इसका चलन है, तो पा से नी तक ही इसका चलन है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, इसलिए कोई भी इस भजन को बड़ी आसानी से गा सकता है। और कंपोजिशन भी बहुत सुंदर है, मैंने सुना इसको तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, काफ़ी फेमस भी है। और इसकी जो कंपोजिशन है वो एक फिल्मी सॉन्ग है उससे मिलती जुलती है, जिसके बोल हैं, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आप वो फिल्मी गीत भी सुन सकते हैं और उसको सुनने के बाद आप इसको बहुत अच्छी तरीके से गा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आइए सबसे पहले लाइन देखते हैं। नाम है तेरा, कोमल निषाद से लेना है मंत्र सप्तक के। नाम है तेरा, नाम है तेरा, निसा गरे सारे सानी, नाम है तेरा, निसा गरे सारे सानी, तारण हारा, तारण हारा पे हम सा पे रुक जाएंगे और नाम है तेरा पे हम नी पे आएंगे। देखिए फिर से, नाम है तेरा, वॉइस में भी फिट लाना है आपको, नाम है तेरा, तारण हारा, तारण हारा, निसा गरे सा। ओके, फिर से देखिए, नाम है तेरा, तारण हारा, अगले देखिए, नाम है तेरा, हरण हरण, कब तेरा दर्शन होगा। अगले, जिनकी रचना इतनी सुंदर, जिनकी रचना दे मां पा, जिनकी रचना इतनी रे मा पा मागरे, जिनकी रचना इतनी सुंदर रे मा पा मा,
ठीक है। जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना अनिसा वो कितना सुंदर होगा, अनिसा रे सा वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इस तरीके से आपको इसका मुखड़ा गाना है और वॉइस इफेक्ट का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम महिमा का गुणगान कर रहे हैं, हम महिमा का वखान कर रहे हैं ईश्वर की, तो वो फीलिंग्स वो भाव आपकी वॉइस में आना चाहिए। देखिए इसको फ्लो में देखते हैं। नाम है तेरा हरण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर, या फिर नाम है तेरा हरण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ठीक है, इसके बाद में आप चाहे तो थोड़ा सा अंदाज ले सकते हैं जो उस फिल्मी गीत में प्रयोग हुआ है। देखिए हो सारे गा 400 इसमें प्रयोग हुए हैं और जो अंदाज है वो मैंने नोटेशन आपको दे दी ऊपर। हो ओके, आइए अंतरा देखते हैं। अंतरा में माँ से लेना है। तुमने तारे तारे मापनी द पद पमा, तुमने तारे लाखों प्राणी, फिर से देखिए, तुमने तारे लाखों प्राणी मापनी द पद पमा, मापनी द प, ये नोटेशन है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, फिर से देखिए, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये आपकी वॉइस में इफेक्ट आना चाहिए, केवल खड़े खड़े स्वर पे नहीं गाना है हमें। तुमने तारे लाखों प्राणी ऐसे नहीं गाना है, फीलिंग्स लाना है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है, मा ग सा ग मा, ये संतों की वाणी है। अगले देखिए, तेरी छवि पर मापनी द पद पमा, तेरी छवि पर वो मेरे भगवन, मापनी द पद पमा, मापनी द प, सेम ही नोटेशन है दोनों लाइन की। तेरी छवि पर वो मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, इसकी भी सेम ही नोटेशन है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, या फिर तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, उसके बाद ये दुनिया दीवानी है। यहाँ पे आपको आना है सेकंड टाइम, जब आपको अगले लाइन गाना हो तब, रे पे आपको रुकना है। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये
लाइन देखिए, भाव से तेरे, भाव से तेरे, निसागर सारे सनी, भाव से तेरे पूजा रचाऊं, निसागर सारे सनी, निसागर सा, भाव से तेरे पूजा रचाऊं। जीवन में फसा, जीवन में मन पसारे सनी, जीवन में मंगल होगा पसारे सनी सरे, जीवन में मंगल होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, आपको इसका पहला अंतर गाना है। आगे और भी इसमें दो अंतरे और हैं, तो वो भी आप इसी अंदाज में गा सकते हैं, इसी नोटेशन में उनको गाना है। आइए इसको ताल के साथ देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी क्या स्पीड होना चाहिए और क्या रिदम आपकी रहेगी, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और सिंपल ताल है, केरवा ताल में इसको गाना है, 8 मात्रा की ताल है, बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। देखिए, धागे न तीनक दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सम से हमें लेना है। देखिए किस तरीके से, नाम है तेरा हरण हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। या पे थोड़ा सा अंदाज़ ले सकते हैं आप, देखिए, अपने कष्ट मिटाने को, ये वाला, अपने कष्ट मिटाने को, बालक है तेरे चरण में,
से आपको इस सॉल्वफुल भजन को गाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको भी अपनी महफिल में, अपनी गायकी में शामिल करिए। और अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अंदाज में आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।